कर लो ना। दोस्तों आज की राइड है हमारी इंदापुर और आज का लाइनअप देखिए, हमारे पास है यहाँ पे एक सिल्वर बुसा और एकदम 2020 मॉडल रेड बुसा, इसको आप पहले भी मेरे चैनल पे देख चुके हैं। और ये है अपनी टैंक और पीछे है हमारे पास एक CBR। मेरा जो GoPro Hero 5 है वो प्रॉब्लम कर रहा है, वो हीटअप हो रहा है, लेकिन अभी भी फिर भी मैं उसको अभी इस बार लगा के थोड़ा सा कुछ राइड का कैप्चर करूंगा और इसके बाद हम मिलते हैं सीधा इंदापुर में। बज रहा है अबाउट 7, टाइम परफेक्ट है, इंदापुर जा रहे हैं और जिस हिसाब से लोग 200 पे भागा रहे हैं भाई बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। मैं भी इन लोग के साथ कैसे भी कीप अप करता हूँ। आज पता चल रहा है भूसा का मज़ा अपने को, आज भूसा का पावर यूज़ हो रहा है क्योंकि भूसा के साथ राइड कर रहे हैं। चलो भाई एक निकली, थोड़ा भी अगर मैं पीछे हो गया ना तो मैं इनको कभी चेज नहीं कर पाऊँगा, मुझे भी मालूम है तेरे फास्ट है ये लोग। ओहो सुपर वेदर, इस बंदे ने मुझे थोड़ा पुणे के साउथ में बुलाया, यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं है और मेरे साइड में तो बारिश थी, बाइक थोड़ी सी गलती होगी 50 मिनट में खड़ा पाएगा बंदा। और मेरे सामने देखिए दोस्तों 2020 की रेड बुसा, ये कई है गुस्सा, गुस्सा पे ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग आसान काम नहीं है भाई। अगर गुस्सा को आप हमारा एक सिल्वर भूसा वाला कुशल मिसिंग है, हम लोग आए हैं यहाँ पे टोल नाके पे, हम लोग रुके थे टोल पे और हमें लगा कि वो आगे है मगर मेबी वो पीछे है। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद ये है होटल निसर्ग इंदापुर के पास में, हम लोग यहाँ पे अभी भी पहुँच गए, अबाउट 1 घंटे की राइड की है, 7 बजे निकले थे, अबाउट 8 बजने वाले। और ये वाली टी शर्ट मैंने पहन तो ली स्टाइल में, लेकिन आई थिंक इसके लिए थोड़ा बहुत और बर्न करना पड़ेगा। और बहुत ही मज़ा आ रहा है, वेदर बहुत अच्छा है, बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई रास्ते में। बस ब्रेकफास्ट फोकस करेंगे, फोटोशूट वगैरह करेंगे और वापस चलेंगे। देखिए मेरे दोस्त केतन को एकदम प्रोफेशनल है, अपना हेलमेट देखो कितना मस्त स्प्रे लेके घूमता है, उससे इसे क्लीन करता है, ये लिपी मौली का देखो। ओके दोस्तों यहाँ पे हमारा काम हो गया है, अब सीधा घर पे मिलेंगे और होपफुली रंजना चिल्लाए नहीं, क्योंकि अभी 2 दिन में 2 राइड हो गई है, लेकिन अभी शिप से आए तो बहुत दिन बाइक खड़ी थी तो चलेगा। अभी बात ऐसी है कि घर पहुँच गया हूँ और बहुत तेज बारिश हो रही है, लास्ट का 1 घंटा पूरा पकाऊ था, बहुत ही ज़्यादा बारिश, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक, मुझे हड़पसर से इधर आने को 1 घंटे के ऊपर लग गया, मैं इतना थका हुआ था, बाइक मैंने बाहर बारिश में ही छोड़ दी है, अभी उसको अंदर करते चढ़ाऊंगा तो नहीं। हाँ तो मैं कह रहा था कि इतनी बारिश में मैं बाइक को चढ़ा के पीछे तो नहीं पार्क करूंगा, क्योंकि ये देख रहे जब पानी वानी रहता है गीला लेता है ना तो ये स्लिपरी होता है, एक बार थोड़ा सा स्लिप कर गई थी बाइक, कुछ डैमेज नहीं हुआ तो तब से मैं ये चांस नहीं लेता। अब हम ड्राई होने का वेट करेंगे, अब क्या करें कि इस बाइक को बारिश में भीग भीग के ख़राब होगी, मतलब फालतू में इतना क्यों भिगाने का, तो इसको मैं इधर लगाता हूँ, इस गाड़ी को थोड़ा सा पीछे लेते हैं। और अपनी सिविक आज ही थोड़ा बहुत डैमेज था इसका, वो राइट साइड में पीछे आप देख रहे हैं, राइट साइड में पीछे वहाँ पे डैमेज था, तो रिपेयर होके और सर्विस होके आइए तो ये कॉन्ट्रैक्ट का काम मेरा निकल जाएगा इसमें। ओके बाइक को जगह पे लगाने के बाद सेफली शेड में, हमारा नेक्स्ट काम है आज का कि बेबू के रूम में बनने वाला है उसका एक फोटो, आजू बाजू आने वाले फ्लावर्स उसका एक फोटो, तो हमें कोई अच्छी सी फोटो नहीं मिल रही थी तो वो फोटो शूट हम अभी घर पे ही कर रहे हैं, देखते कौन सा फोटो फाइनलाइज होता है। और बेबू यहाँ पे रेडी है अपना फ्रॉक व्रॉक कलरफुल फ्रॉक पहन के, बेबू फोटो शूट करेगा ना बाहर, कर लो ना, तो ब्यूटीफुल बने हो तो इसीलिए तो फोटो शूट के लिए बने हो ना, तो फोटो शूट करवा लो ना बेबू। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की, फ़ोटोज़ खींचे इधर उधर, बाद में समझ में आया कि 2-3 MB की फ़ोटो नहीं चाहिए, हमें रॉ इमेज चाहिए, तो रॉ इमेज अबाउट 24-25 MB की हमने ये वाली फाइनलाइज करके दे दी है। ऑफकोर्स बैकग्राउंड में सब थ्रैश है, ये सब चीज़ें एडिट हो जाएगी और उसके ऑल अराउंड फ्लावर्स आके वो वॉल पे लगेगा, जब भी लगेगा तो मैं आप लोग को डेफिनेटली दिखाई दूंगा। आर यू हैप्पी विद द फोटो वी क्लिक एंड सेंड? यस यस यस। आज तो पूरा दिन बारिश ही बारिश और कुछ नहीं कर सकते, सुबह 4 बजे उठते हैं जब राइड के लिए 5 बजे तक रेडी होते हैं निकलते हैं, तो ये पकड़ लिया मैंने इसको, तो आप पूरा दिन थकेले फील करते हो बट ठीक है, वर्कआउट वाला पार्ट तो राइड पे कंप्लीट हो जाता है। बेबी व्हाट गेम यू आर प्लेइंग जल्दी से बता दो। वार्डरोब के बाजू में यहाँ पे ये बन रहा है, शू रैक, राइडिंग गियर, हेलमेट, काफी सारी चीजें इसमें रखने वाले हम लोग, और बारिश का हाल देखो।
अरे बाहर मस्त है बेबू, अंदर तो गर्मी है, बाहर तो अच्छा है। यू वांट टू कम? नो। आ जाओ ना बाहर। ठीक है आप खेलो फिर। चलो आप खेलो, इनको अंदर खेलना। ओके अच्छा आज तो भाई यहाँ से भी हम देखो बाइक दिख जाती है पार्किंग। मुझे रोज कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग काम करने में मजा आता है। मैंने गोप्रो के कुछ माउंट्स मंगाए थे, तो हुआ क्या कि ये कुछ एक्स्ट्रा माउंट्स आ गए, मुझे समझ में नहीं आया इनका क्या यूज करना, तो मैंने इन्हें यहाँ लगा दिया। ओवरहेड शॉट के लिए काम करेगा मुझे यहाँ पे गोप्रो लगा के टेबल पे, जो कुछ भी अगर कुछ मुझे सिखाना है या मैं कुछ कर रहा हूँ। तो फायदा ये है कि यहाँ पे हमारे पास राइट लेफ्ट मूवमेंट और यहाँ पे हमारे पास अप डाउन मूवमेंट और गोप्रो में इटसेल्फ होता है। और मेरे पास है ये स्क्रूज और ये एलन की, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी मुझे बाइक में रियर सीट लगानी पड़ती है तो ये ग्रैब बार भी लगाना पड़ता है, तो इसके लिए ये चार स्क्रू और ये एलन की जरूरत पड़ती है। तो ये यहाँ पे बस ऐसे ही पड़ा हुआ था यहाँ पे, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको प्रॉपरली यहाँ पे लगाया जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे मस्त रहेगी। तो दिस विल प्रोबेबली लुक नाइस, तो अभी हम इसी के ऊपर काम करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइम लैप्स में देखा, ये बन गया अपना मस्त, यहाँ पे ये अटक जाएगा एकदम सेफली रहेगा ये सब चीजें। तो ऐसे काम के इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहते हैं, जो मेरे नॉलेज वाले शिप के वीडियो उनको दोस्तों जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा किसी के साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दबाइए। स्टे फिट, जय हिंद, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।